अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो, कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहेगुरु राम में है। अब तो आपको फिल्म में भी देखने को मिल गया होगा वो जो अमली निकाल रहे थे कमियां। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते ना निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे, किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में रहमत से, सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है, और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसके बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है। सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है, लेकिन वचन मान लेना ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है, जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती है, फिर आप देखना शुरू कर देते हो ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है,
तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों तेरे पर निकल आए क्या? अरे भाई जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था नर मादा, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मढ़ दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, मां बाप और दादा दादी, तो ये खास करके हमारे देश में उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें, उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं, वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई, वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम अल्लाह वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं, जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है। आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है, यार है, दोस्त है, मित्र है, और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की, ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है, लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है।